Assalamualaikum everyone, this is Maas and welcome back to our YouTube channel Mahan's Kitchen Counter. आज हम अपने किचन काउंटर में बनाने जा रहे हैं मैंगो ट्रैफल। वैसे तो मैंने आपको जो है वो फ्रूट ट्रैफल भी बनाना सिखाया है, लेकिन आजकल मैंगो का सीज़न है पाकिस्तान में, हर तरफ जो है वो हर तरीके का आपको मैंगो नज़र आएगा, तो आज हम मैंगो ट्रैफल बनाना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिसके प्रेस करने से आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, मैंगो ट्रैफल बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो अपनी मैंगो जली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो इसलिए आप सबसे पहले मैंगो जली प्रिपेयर कर लें। मैंगो जली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक पतीली ली है छोटी सी, उसके अंदर एक कप पानी डाला है और इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया। अब जैसे ही इसमें थोड़े से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो मैं इसके अंदर जो है वो मैंगो जली अपनी ऐड कर दूंगा। मैंगो जली जो है वो आप किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इसके अंदर जो है वो मैं अपनी मैंगो जली ऐड कर दूंगा एक कप पानी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आप स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हिला लें और आँच जो है वो आप अपनी मीडियम टू लो ही रखिएगा। इसको इसी तरह हम एक से डेढ़ मिनट तक हिलाते रहेंगे ताकि इसके जितने जेली क्रिस्टल्स हैं वो सारे डिसॉल्व हो जाएं पानी के अंदर, और फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जैसे जेली जो है वो रेडी होती है। सो व्यूवर्स, एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, हमारी जेली जो है वो बिल्कुल बन चुकी है। आप देख सकते हैं जब आप चमचा हिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जेली क्रिस्टल्स जो हैं वो सारे डिसॉल्व हो चुके हैं। अब इसका जो है वो मैं चूल्हा बंद कर दूँगा और इसको जो है वो मैं 30-40 मिनट्स के लिए जो है वो सेट होने के लिए रख दूंगा। वैसे तो ये 25-30 मिनट्स में हो जाती है, तो फिर आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको कोई स्पेशल मोल्ड में निकालना है तो आप इसको इस वक्त उस मोल्ड में जो है वो पोर कर दें और उसके बाद इसको सेट होने के लिए रख दें। तो अब हम चलते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ। सो व्यूवर्स, जब तक जो है वो हमारी जली सेट हो रही है, मैंने यहाँ पर एक पतीली लिया है, उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 1 लीटर मिल्क, या आप पूरा 1 लीटर इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें। यह हमारा 1 लीटर मिल्क चला गया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1/2 कप ऑफ शुगर, लेकिन वो मैं तब ऐड करूँगा जब इसके अंदर थोड़े सा उबार आने लगेगा। तो आई थिंक विद इन 4-5 मिनट्स इसके अंदर जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर जो है वो अपना शुगर ऐड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मिल्क में जो है वो आफ्टर 3-3.5 मिनट्स इसमें अच्छे बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया। तो अब हम थोड़ी सी इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी हल्की करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे अपना शुगर। शुगर जो है वो मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यह 1/2 कप शुगर इसके अंदर चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद अब हम इसमें अपना स्पून चलाएँगे ताकि शुगर पार्टिकल्स इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएँ। वैसे तो शुगर जो है वो जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादातर टाइम जो है ना ट्रैफल बनाने में जेली ही लेती है सेट होने में, और कस्टर्ड को ठंडा करने में लगता है। और दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो है वो मैंने टेट्रा पैक मिल्क इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप यहाँ पे फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो मैंगो कस्टर्ड लिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, और पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अपने थिकनेस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये टोटल 3 टेबल स्पून है, अब इसके अंदर जो है वो मैं मिल्क ऐड करूँगा। ये हमने जो है वो इसका एक अच्छा सा लिक्विड इसका पेस्ट बनाना है, और कोई लम्स ना बने ताकि, और अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा लिक्विड मिक्सचर जो है वो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का रेडी हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके भी लम्स ना रहें। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे अपने दूध के अंदर, और चमचा चलाते जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप एक हाथ से अपनी प्याली पकड़िए और एक हाथ से अपना स्पून, और आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा अपना हाथ बचाते हुए, क्योंकि इसकी हीट भी आएगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने चूल्हा बहुत कम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएं और इसको हिलाते जाएं। ये मैं थिकनेस चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, अब ये भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से आप अब मिक्स कर लें। फ्लेम जो है वो हमारी लो फ्लेम ही है। थिकनेस आप इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको लिक्विड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी रूम टेम्परेचर पे आके भी जो है वो अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। बस अब इसको 30-40 सेकेंड्स हम और स्टर करेंगे, उसके बाद हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है, और इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी असेंबलिंग की तरफ जाते हैं।
तो बस हमारा कस्टर्ड रेडी है, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर आपको असेंबलिंग दिखाते हैं। सो व्यूवर्स, इट्स टाइम फॉर असेंबलिंग। मैंने यहाँ पे जो है वो एक बाउल लिया है, कस्टर्ड मैंने पतीली में ही छोड़ा हुआ था क्योंकि अगर मैं इसका बर्तन चेंज कर देता तो ये और ज़्यादा थिक हो जाता, तो जिस पतीले में आप कस्टर्ड बनाएं उसी में इसको ठंडा करने के लिए छोड़ें। मैंने यहाँ पे जो है वो एक बाउल लिया है, आप चाहें आप किसी भी शेप का बाउल ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो मैंगो चंक्स लिए हैं और मैंने यहाँ पे जो वैनिला केक जो होता है उसको मैंने स्पंज होता है उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। तो अब हम सबसे पहले जो है लेयरिंग में अपनी डिश की बेस में जो है वो केक डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसको। यहाँ पर इसको अच्छे से फैला लें, फैलाने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से मैंगो चंक्स, थोड़े से मैंगो चंक्स आप इसके अंदर ऐड कर दें इस तरह, ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि हमने लेयरिंग करनी है ना ऊपर, तो इसको इस तरह आप फैला भी लें और थोड़े से बचा लें। उसके बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी की जो है वो क्रीम ले सकते हैं और उसकी एक लेयर लगा दें। ये इसको हो गया, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सेट करें कुछ भी। आफ्टर दैट हम इसके ऊपर जो है वो आप अपने कस्टर्ड के लेयर लगाएंगे, तो कस्टर्ड के लेयर आपको जो है बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना हमने इसको। और अब हम इसको इस तरीके से जो है वो इसके अंदर पोर कर देंगे। हमने इसको दो लेयर के अंदर रखना है, तो ये हमारी पहली लेयर जा चुकी है, सही है। अब इसको स्पैचुला की मदद से जो है वो हिला लें कस्टर्ड को लाइक दिस। ये हमारा कस्टर्ड, ये पूरी लेयर आ चुकी है। अब इसके बाद हम दोबारा क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत रफली डालें आप लेयर्स, इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको दोबारा से एक छोटा सा कस्टर्ड के साथ आप इसको इस तरीके से मिक्स कर दें, अगर आपके पास स्कीवर है तो जैसे वो यू यू वाला डिज़ाइन बनता है आप वो भी कर सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद हम जो अपने मैंगो चंक्स बचाए हुए थे वो सारे आप इसके अंदर ऐड कर दें दोबारा से। मैंगो तो जो है वो वैसे भी आपको पता है कितना हेल्दी होता है और किंग ऑफ फ्रूट्स कहलाता है मैंगो, तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत हेल्दी भी है और आपके घर में यकीन है सबको पसंद भी आएगी। अब इस तरीके से आप अपने मैंगो चंक्स जो वो दोबारा हिला लें, तब हम दोबारा से जो है वो जो हमारा बचा हुआ कस्टर्ड है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये फाइनल हमने कस्टर्ड भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, अब इसको इस तरीके से आप फैला लें पूरी एक लेयर के फॉर्म में ले आएँ। अब हम इसको जो है वो डेकोरेट करेंगे ऊपर से, हमारी जेली भी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी कम्प्लीट, जम गई है। अब हम उसके क्यूब्स करेंगे छोटे छोटे और मैंगो से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहे क्रीम से करें, आप चाहे इसको केक के जो चंक्स थे उससे करें, तो इट्स टोटली अप टू यू। सो व्यूवर्स, हमारा मैंगो ट्राइफल जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपने देखा है कि मैंने इसको जो है वो क्रीम और वो जो मैंगो जेली हमने बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप मैंगो जेली के लेयर भी लगा सकते हैं बिल्कुल नीचे लेयर्स के अंदर, और ये जो मैंगो फ्लावर है आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इसके आप मैंगो के लेयर्स पतली पतली काट के और एक साथ जोड़ के आप इस तरह फ्लावर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके लीव्स भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आपने मैंगो ट्राइफल बनाया तो कैसा बना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।